की बोल भाई ना जरा मैचाई जीते अरे मैचाई जीतले तो तोर पर उतना पैसा ना हो उतना ही ना जो तो झारखंड के किन सकल से ओकरे किन भी जतन बदलू लगो झारखंड के बेचे चीने वाला इसे कोई माई के लाल ले बनाती रहे झारखंड के रूप में एक एक आदमी एक एक बच्चा के जो है ना है कि जयराम के ऊपर है तो जयराम के ऊपर सीधे राम जी के मने आशीर्वाद है तो हमने झारखंड के अब दशा दिशा बदले खातिर हाथी चला है ना तखन कुकुर के भू 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 कर हाथी तो भू भू कर ले हाथी को असर नहीं ने पड़ा है तो अपनी भू क्या दिन है 24 साल करल की है कुछ कर ले क्या नहीं कौन कहता है महतो की पार्टी है ये झारखंड की झारखंड भगवतियों की पार्टी है महतो की पार्टी है अगर महतो की पार्टी है तो हम ज्यादा हम नहीं आते यहाँ हक अधिकार का लड़ाई के लिए अगर हम लोग फोन भी बहाना पड़ेगा तो अब हम लोग बहाएंगे और रोड में हम लोग निकले हैं हम लोग अब रुकने वाले नहीं पैर टूटा हुआ है मेरा लेकिन हम लोग चंदा करके अपना घर से काम धंधा छोड़ के और आंदोलन को पैदा क्या उतरा करोड़ों ना गदा करोड़ों का नहीं दुनिया का तक तो ताज भी मिलेगा ना तो साहब हमको हम लोग लात मारते हैं ठोकर मारते हैं हम लोग को कुछ नहीं चाहिए झारखंड बना है झारखंडियों के लिए तो अब झारखंड झारखंड के लिए बनेगा और यहाँ का जो राज करेगा यहाँ के झारखंडी युवा या राज करेंगे माताएं बहने बुजुर्ग सब कोई राज करेंगे बाहरी सरकारी तंत्र व्यवस्था नहीं चलेगा बस जय झारखंड अगर खातिर खून डजल वाले बहते ना तो खून टा पानी रकम बहाय दे भाई गर्दन कटवेले होते ना एक अपना अपना भविष्य बचाने खातिर गर्दन में कटा देंगे ये झारखंड के हमने पूर्वे सब ना अपन खून पसीना से सिंचल हथी मैंने लाखों लाख करोड़ों करोड़ हमने पूर्व सब अपन प्राणों के आहुति दिल हथिन बिरसा मुंडा ले सिद्धू कानू ले हमने विनोद बाबू के ले ऐसे नहीं बनाना झारखंड जमीन जगह सब कुछ हम लोग का रुपया का डिसमिल के हिसाब से आज प्लांट जो बैठा है आज हम लोग दर दर का ठोकर आज जगाने का जो काम है ये जयराम महतो कहते थे सब चक्कर हटा दीजिए धर्म जाति अलग है कोई यहाँ महतो और कोई यहाँ कोई जातिवाद नहीं हो रहे हम लोग का एक ही मुद्दा है झारखंड का महतो सिर में पूरा झारखंड के लोगों का विकास जरूर यही कहना है कि विकास जो घटा यहाँ झारखंड में वो झारखंड का पास पहुँचेगा वो विकास जा रहा है सब जात को लेके जा रहा है ये कोई जात का नहीं नीति नियम नहीं है ये कोई धर्म का नीति नियम झारखंडियों के लिए नीति नियम निर्धारित किया जाएगा बिहार जैसे बना है बिहारियों के लिए गुजरात बना है गुजरातियों के लिए तो झारखंड किस मैटर पे और किस लिए अलग हुआ था कि झारखंड को झारखंडियों का हक अधिकार मिले पहचान मिले लेकिन आज तक हम लोग युवा को पहचान नहीं मिला है हमने तो इसके लिए आपको यहाँ आने के लिए कोई पैसा कौड़ी कोई दिया है क्या सुनते हैं कि कोई पैसा कौड़ी भी देता है अरे हम आए पैसा के जहाँ तक बात करें दादा अगर खातिर खून डजल वाले बहते ना तो खून टा पानी रकम बहाय दे भाई गर्दन कटवेले होते ना एक अपना अपना भविष्य बचाने खातिर गर्दन में कटा देंगे ये झारखंड के हमने पूर्वे सब ना अपन खून पसीना से सिंचल हथी मैंने लाखों लाख करोड़ों करोड़ हमने पूर्वे सब अपन प्राणों के आहुति दिल हथिन बिरसा मुंडा ले सिद्धू कानू ले हमने विनोद बाबू के ले ऐसे नहीं बनाना झारखंड दुनिया करोड़ों ने गदा करोड़ों का नहीं दुनिया का तक तो ताज भी मिलेगा ना तो साहब हमको हम लोग लात मारते हैं ठोकर मारते हैं हम लोग को कुछ नहीं चाहिए झारखंड बना है झारखंडियों के लिए तो अब झारखंड झारखंड के लिए बनेगा और यहाँ का जो राज करेगा यहाँ के झारखंडी युवा या राज करेंगे माताएं बहने बुजुर्ग सब कोई राज करेंगे बाहरी सरकारी तंत्र व्यवस्था नहीं चलेगा बस जय बिहार जैसे बना है बिहारियों के लिए गुजरात बना है गुजरातियों के लिए तो झारखंड किस मैटर पे और किस लिए अलग हुआ था कि झारखंड को झारखंडियों का हक अधिकार मिले पहचान मिले लेकिन आज तक हम लोग युवा को पहचान नहीं मिला है हमारे भी से एक चचा आए हैं से बोलना चाह रहे हैं बताइए चचा आपका नाम क्या पहले बताइए मेरा नाम लाला यादव कहाँ से आए चचा तो आप जयराम दा को किस नजरिया में देखते हैं नजर में देखते हैं कैसा विचार है उनका जयराम दा को हम लोग का उनका जो विचार है और झारखंड के लिए भविष्य के बच्चों के लिए जो बोलते हैं और ये झारखंड का एक उभरता सितारा है और नौजवान भी हैं हमारे यहाँ गए भी थे इसीलिए हम लोग जयराम जी के दिल से हम लोग जुड़े हुए हैं और अभी जो आप बोले पैसे की बात ना इसी मुद्दे पर हम बोलना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ कल गया था एक आदमी दो तीन आदमी बोला 6 तारीख को हमारा वर्तमान संसद का नॉमिनेशन है
तो आप लोग एक एक लड़का को 300 रुपया दिया जाएगा और गाड़ी दिया जाएगा और खाना दिया जाएगा। कितने लड़के लोग तैयार होते हैं तो बोलिए। तो वहाँ पर तो हम लोग कम थे, लेकिन कुछ औरत लोग जो आई ना तो उन लोग को चप्पल खोल के दोनों चप्पल मारती है। पैसे के जहाँ मेजर हुए ना, हम लोग अभी 7 लड़का आए हुए, एक बड़ा गाड़ी करके बड़े फोर व्हीलर करके उसमें 300 रुपया चंदा लगा के अपना खाना खा के आए। बस कि ये महतो की पार्टी, जयराम महतो भी महतो है क्या? ये बात सही है क्या? नहीं, कौन कहता है महतो का पार्टी है? ये झारखंड की झारखंड पार्टियों की पार्टी है, महतो का पार्टी है। अगर महतो का पार्टी है तो हम जादू हम नहीं आते यहाँ, ठीक है? हम मुस्लिम है, मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ। और ये जो कहना है कि जयराम का जो पार्टी है वो महतो की पार्टी है, ये महतो की पार्टी कभी नहीं हो सकता। अल्पसंख्यक भाई लोग भी हमारे आए हुए हैं, मैं खुद एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ और यहाँ जितने भी फैमिली है, जितने भी आप युवा देख सकते हैं, सभी में सभी कोई का धर्म जाति अलग है, कोई यहाँ महतो और कोई यहाँ कोई जातिवाद नहीं हो रहे। हम लोग का एक ही मुद्दा है झारखंड का नीति, महतो सिर्फ में पूरा झारखंड के लोगों का विकास है। जरूर यही कहना है कि विकास जो घटा यहाँ झारखंड में वो झारखंड का पास पहुँचेगा वो विकास। जा रहा है सब जात को लेके जा रहा है, ये कोई जात का नहीं नीति नियम नहीं है, ये कोई धर्म का नीति नियम, झारखंडियों के लिए नीति नियम निर्धारित किया जाएगा। विकास का नीति है ये ना, विकास का। ठीक है, मुखिया जी आप बोलिए। आपका सुनार, मेरा नाम आनंद सागर कुंडरिया। कहाँ से? मैं हुरदाग पचमू पंचायत गुमिया से बिलोंग करता हूँ और मैं काफी धूप में मेरा पैर टूटा हुआ है, लेकिन जब हम आंदोलन जब चालू हुई थी हमारे धनबाद से बोकारो मेरे साथी लोग हैं, अभी साथ में सब लोग हैं, जब हम लोग आंदोलन में जब फोका हो गया था पैर में, तो उस समय से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जगह होंगे कि रांची में राजभवन के पास जो है हम लोग को राज्यपाल भवन जो है वहाँ हम लोग अनशन में सारा कुछ बहुत दिन तक माननीय मुख्यमंत्री छह दिन माननीय हेमंत सोरेन के इंतजार करते हैं। बड़े भाई हम लोग को जब हमारे गाँव आते हैं इलेक्शन में, जैसे आज इलेक्शन, आज लोकतंत्र के महात्यौहार आया, तो लोटा पानी में लेकर के खड़ा होता है, मेरे भाई मेरे मेहमान आए हैं, मेरे साथी संबंध आए हैं, लेकिन जब हम लोग गए तो आज हम लोग को एकदम ऐसा लगा कि हम लोग कई झारखंड कई लोग है ये नहीं है। इसी के लेकर के आज ये जनसलाब उस रूप में उभरा है कि ना वो उस दिन वो हम लोग को अनदेखी करते ना आज इस रूप में हम लोग आते हैं। पता है पैर टूटा हुआ है मेरा, लेकिन हम लोग चंदा करके अपना घर से काम धंधा छोड़ के और आंदोलन को पैदा किया उस तरह आज हम लोग इंजाम तक पहुँचाने के लिए जयराम बाबू को हाथ में भागडोर देने के लिए दिल्ली पहुंचाने के लिए लोग आए हुए नॉमिनेशन। जयराम दा ना सांसद है ना मुखिया है ना वार्ड है, फिर भी करोड़ों रुपया मुआवजा दिए, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? अरे मुखिया नहीं सरपंच नहीं कुछ नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन जनता की उनका समर्थन है, सहयोग है, प्यार है, उनका मास दिलाती है, उनका संवैधानिक अधिकार दिलाती है, उनका कानून दिलाती है, वो नहीं दिलाते हैं, वो सहयोग करते हैं, हम लोग को दिशा दिखाते हैं और वो कितने लोगों को दिलाए। आज हमारे यहाँ हुरदाग में पोत्री बसंतपुर परियोजना यानी KBP प्रोजेक्ट खुलने जा रही है, आज उनको आवश्यकता पड़ गया, आज हम लोग दर दर भटक खा रहे हैं, वहाँ 81 से जमीन ली हुई है, आज हमारे बाप का नौकरी लगना था उनको नहीं हुआ, आज हमको लगना था, मेरा बाल दाढ़ी अब पकने चला, लेकिन हम लोग को धोखा मिल रहा है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अब अपना विश्वास के साथ किसी को अब लाएंगे सत्ता में जो हमको अधिकार दिला सके, इसलिए हम लोग जयराम को आगे ला रहे हैं और दिल्ली में बैठाने का काम करेंगे। जयराम का पूरा विश्वास है? विश्वास है भाई, आंदोलन के साथ हम उसको लाए हैं, उसका अच्छा विचार है, विचार के साथ जा रहे हैं हम, उनका कानून के संबंध बात करते उसके साथ जा रहे हैं, हम कानून के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, एक और भैया उससे कुछ विचार लेता से, क्या नाम है आपका? कारण है और कुछ भैया लोग हैं जानना चाहते हैं कि जयराम दा के बारे में क्या क्या बोलना। हाँ, मैं बोकारो से आया हूँ, मेरा नाम शशिकांत गोस्वामी हूँ, सेक्टर में रहता हूँ और आज हम लोग आए हैं जयराम के काफिला में, देख सकते हैं लाखों हजारों की भीड़ से उमड़े हुए हैं और पूरा मांग तार से जो हुआ काफिला जो शुरू हुआ है वो तिलमिचो ब्रिज होते हुए किसी कार्यालय में उसके संपर्क आए हुए हैं और लाखों संख्या में भीड़ उमड़े हुए हैं और हम लोग भी अपना काम काज वाले आदमी आज छोड़ छाड़ के सब जयराम दादा के समर्थन में आए हुए हैं, क्योंकि उनका नामांकन आज दाखिल होने वाला है और नामांकन दाखिल जयराम दादा जा चुके हैं।
चुके हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं जयराम दा वापस आएंगे और फिर से देश को संबोधित करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं और हमारे भी साथी सब आए हुए हैं, सब साथियों का स्वागत है और साथियों एक एक करके बैठ के जाएंगे। भैया 2024 आ गया, झारखंड का भीतर पहचान नहीं मिल रहा है, कमी कहीं ना कहीं लोग में भी है। आज अगर सब मिल के झारखंडी आज जो देख रहे हैं जन सैलाब जो निकला है, ये बदलाव का मतलब एक बिगुल बन चुका है। और हम लोग स्टूडेंट आज झारखंड का 24 साल कहीं होने जा रहा है, लेकिन हम लोग भी कहीं ना कहीं रोड में भटक रहे हैं और हम लोग भी अब चाहते हैं कि झारखंड अब मतलब स्टूडेंट जो है सो एक पावर, युवा पावर जो है अब हाथ में आया है और हम लोग जयराम जी को मतलब बढ़ा रहे हैं आगे और युवा शक्ति जो है मिल के जयराम दा को हम लोग आगे तक पहुंचाएंगे। और हम लोग को युवा पीढ़ी को वो जैसे कहते हैं कि अब जो है सो युवा की सरकार बनेगी, इसलिए युवाओं की सरकार बनेगी और रोड पे आप देख रहे हैं नौजवान से लेके युवा बुजुर्ग सब माँ बहन माँ बेटी सब निकले हैं हम लोग, क्योंकि अब हम लोग चाहते हैं कि झारखंड में झारखंड का पहचान मिले। अभी हाल ही में PGT एग्जाम हुआ है ना, उसमें 70% बाहरी नौकरी होती है, आप क्या कर रहे हैं? 99% हो जाता है, सॉरी 99%, क्या बोलना चाहते हैं आप? देखिए कहीं ना कहीं जो है भैया क्या बोले, हम लोग बहुत कुछ झेले हैं और बहुत कुछ देखे हैं, हम लोग झारखंडी होते हुए भी हम लोग को हक अधिकार नहीं मिला और हक अधिकार का लड़ाई के लिए अगर हम लोग खून भी बहाना पड़ेगा तो अब हम लोग बहाएंगे और रोड में हम लोग निकले हैं। हम लोग अब रुकने वाले नहीं, अब हम लोग रुकेंगे नहीं, बहुत देखे सबको देखा बारी बारी, अब की बारी जयराम की बारी। आप अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में क्या सोचते हैं, आप क्या विचार देना चाहते हैं? सबसे पहले तो जोहार, सबसे पहला बात है कि हमने लगी झारखंडी लगी, हमने युवा है छात्र है, हमने पढ़ लिख के नौकरी लिए खातिर दिन रात मेहनत कर रहे, लेकिन यहाँ देखिए अरे बाबू पढ़ाई और लिखाई से कोई अगर होने वाला ना हो, काहे काहे कि यहाँ बाहरी शासन तंत्र यह है कि हाँ कि अगर हावी हो गए तो सही खातिर हमने देख ली कि ना पढ़ाई लिखाई से हमने अपन हक अधिकार नहीं ले सकलिए, तब जाके हमने की कर ली कि ना हमने अगर अपन हक अधिकार चाहिए तो हमने के राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखे ला, तो अपन विधायक अपन सांसद अपन सरकार जब तक चुनाई बनाए बने तो हमने की झारखंड में हमने झारखंडी के मैंने उद्धार नहीं सकल। आज देख ले 24 साल लग गए झारखंड बनल, 24 साल में बताए झारखंड के खातिर की बेले ना, यहाँ केवल नीति नियम बनल ना खद्यान आधारित है, नियोजन नीति बनल, शिक्षा नीति बनल ना, उद्योग नीति बनल, तो सब कुछ बाहरी नीति बनल, हमने बाहरिया लूट के ले गया। अरे भाई 46% हमने क्या खानिज संपदा से परिपूर्ण है झारखंड में, देखिए इतिहास देखिए, लेकिन आज यह फिर भी हम लोग गरीब है, फिर भी गरीब सारा यहाँ पे महामारी पैदा हुआ है, अकेला पहाड़ कोड़ के लग गलती तो CNT एक जमीन लग गई कोड़ के, तो की करबे हमने तो आगू आवे हबे करते, बहुत दिन से हमने हाथ जोड़ के देखिए, अब हमने की करे के हाथ बनिए अपन हक अधिकार के खातिर हमने के संघर्ष करे रहते तो हमने कर पाए और एक खातिर हमने पहला कदम पढ़ाई दिए हमने पहला अगर जयराम दास से आप क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही है जयराम माधो के नेतृत्व में टाइगर को हम लोग दिल्ली भेजेंगे, भारी से भारी मतों से लाखों लाख वोट से हमें जिताएंगे, दिल्ली भेजवाए और बाद हमने जगह विधानसभा चुनाव होता है तखन हमने झारखंड में सरकार बनता है, और कोई पार्टी को हमने नहीं देवे वोट, हमने झारखंड के आदमी झारखंड के सरकार बनाए और अपन हक अधिकार के नीति नियम बनवाबे। हम बहुत से लोग बोलते हैं कि टाइगर दा भी कहीं दूसरे नेताओं से बदल तो नहीं जाए, अभी व्यक्ति की आजादी हमने TV डे बड़ी सुनाई है, अभी व्यक्ति की आजादी अभी व्यक्ति की आजादी तो बोले थी ना टाइगर के खौफ से ना संविधान दिया सबको बोलने का अधिकार है, ये पन्ना मंडल राइट है ना, बोले वाला बोले थी जखन हाथी चला है ना तखन कुकुर कला भू 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 कर हाथी, तब भू भू कर ना हाथी को असर नहीं पड़ा है, तो अपनी भू गया थी ना 24 साल करल की है कुछ कर लेना है की मांग मैंने कौन मुद्दा में वोट मांग में BJP कहता है क्या मांग खद्यान के खातिर कभी आवाज उठाया है, मौजूदा हमें जमे की सरकार देख ना भाई 5 साल हमने ओकरा दे लिया हमें खातिर की कर रहा है, देख ले जो भी नौकरी आवे जितना भी वैकेंसी आवे 99% वाला बाहर के आदमी लेके चला जाए, अरे लोग पेट की पीठ तब तक पाता है सारा वोट देंगे हम, खून पसीना से झारखंड को हमारे पूर्वजों ने सींचा है और मजाक कौन मार रहा है,
बाहर का आदमी सब यूपी या यूपी बलिया हो गया आपका पंजाब हो गया दिल्ली हो गया मैंने खट मरे मंगरू खाए मरे झगरू कहाँ का न्याय है काल गल है समय है ना परिवर्तनशील है वो पहले त्रेता युग आयल है सतयुग आयल है कलयुग आयल है अब राम राज के युग आए गए मतलब है इस बार जयराम जो है इस नैया को आगे तक ले जाएंगे जयराम के रूप में एक विधान देखिए सला नाम में भी जयराम है तो सच में हमारे झारखंड में श्री राम जी जन्म ले चुके हैं झारखंड के मैंने हक झारखंड के उद्धार के लिए जयराम जन्म ले लिया है इस पर कलयुग में उस पर कृष्ण को मारने के लिए अरे फ्री राम ने श्रेता युग में रावण को मारने का जन्म लिया तो इसी प्रकार झारखंड में भ्रष्टाचारियों को मारने के जयराम ने जन्म ले लिया है ये कहना चाहते हैं आप बहुत कोई तो कहा थी कि बेचा जीते बेचा जीते कुछ मुद्दा ना है बेचारा कुछ तो बोलता है झारखंड के बदलू लगो झारखंड के बेचे चीने वाला इसे कोई माई के लाल ने बनाती है झारखंड के रूप में एक एक आदमी एक एक बच्चा के जो है ना आंस है कि जयराम के ऊपर है तो जयराम के ऊपर सीधे राम जी के मने आशीर्वाद है तो हमने झारखंड के आप दशा दिशा बदले खातिर हमने कि जयराम आए के नहीं आज जो इतना भीड़ देख रहे हैं आप ये आपको क्या लग रहा है लाखों वोट पार करते हैं उनके चक्कर में एक है ऐसे पूर्व जो विकास रुके है जाते हैं जनता कोई नहीं है टक्कर क्यों पड़े हैं आप चक्कर में ये सब चक्कर हटा दीजिए परिवर्तन का अब चलो नैया चलते एकदम हटा दीजिए ये सब चक्कर ये राम के आगे कोई नहीं है बाबा से दो शब्द बाबा है और जो बहुत देर तक रहे थे उनसे भी विचार लेना चाहते हैं भैया कहाँ से हम लोग इसलिए आए हैं कि इनका विचार जो है जयराम माथो का बहुत अच्छा विचार है आज तक इतना हम लोग वोट दिए ये नेता विधायक सदर सब कुछ देखे लेकिन जो आज जगाने का जो काम है ये जयराम माथो का थी 40% खनिज है फिर भी हम लोग गरीब का है कहे कि हम लोग का सब रोजी रोटी सब बाहरी सब आज हम सब बाहर लूट लिया जाएगा सब जमी जगह सब कुछ हम लोग का रुपया का डिसमिल के हिसाब से आज प्लांट जो बैठा है आज हम लोग दर दर का ठोकर खा रहे एक रुपया डिसमिल में जमीन दिया आज हम लोग का नौकरी नहीं मिला कुछ नहीं मिला आज हमारा बेटा सब पढ़ करके ऐसे हाजिरी काम कर रहा है वो भी हाजिरी प्लांट में नहीं मिल रहा है ये बाहर में सब ठेकेदार बाहर का सब घुसा हुआ है और उन लोग को कमाने के लिए हम लोग के पास और कोई जरिया नहीं आज जो वोट देने का जो शिक्षित जो किया ये जयराम मातो ये जयराम नया दिशा नया विचार दिए जयराम का हाँ जयराम मेरे बहुत बढ़िया एक और छोटे भाई है वो बहुत बात करना चाह रहे उनसे थोड़ा बताइए आपको आज यहाँ किस पे आए मतलब यहाँ आए हैं तो अपने मर्जी से आए कि पैसा कोई दिया है इसलिए आए कोई नहीं अपने मर्जी से आए हैं अच्छा क्या लगता है इस बार टाइगर जयराम दा सांसद बनेंगे हम लोग बनाएंगे उसको अपने पैर पर अच्छा तो इसके लिए आपको यहाँ आने के लिए कोई पैसा कौड़ी कोई दिया है क्या सुनते हैं कि कोई पैसा कौड़ी भी देता है मतलब क्या लगता है कि इसमें कुछ टक्कर देंगे उनको और जैसे आपका सीपी चौधरी है और कोई भी नहीं जयराम में मान कहाँ कहाँ से हैं आप हम लोग तीसरी झुमरा पहाड़ लोधी पंचायत आप कुछ बोलिए हम लोग लोधी पंचायत से अच्छा तो इस बार क्या जयराम दा का विचार आप लोग अच्छा लगता है ना हमारे बच्चे का भैंस काम कर सकते हैं तो अभी जयराम दा नहीं पहुँचे हैं नहीं नहीं अब पहुँचे ना हम लोग आए हैं कितने लोग आए हैं आप लोग 20-25 गाड़ी आए हैं अच्छा अच्छा झुमरा पार से भी देखिए दीदी लोग झुमरा पार से 20-25 आ गए गाड़ी जाए लोधी पंचायत से देख सकते हैं और तीसरी गांव है तीसरी गांव से है और जो भीड़ देख रहे हैं चारों ओर ये जयराम दा के नामांकन का सपोर्ट में सब महिलाएं आई है और दिखाते हैं भीड़ देखिए आगे चलिए कैमरा पहले तो अपन लोग साइन जोहार सभी को जोहार बताइए आप कहाँ से आए हैं हम आए हैं रामगढ़ जिला से और कौरखंड मेरा गोला है और घर मेरा हुलू है अच्छा
तो यहाँ ये आपका सांसदीय क्षेत्र नहीं पड़ता, फिर भी क्या आया है? मेरा ये दर्द है। अच्छा, दर्द है आपका? हाँ, माटी का दर्द है। ये सपोर्ट में आए हैं जयराम दा? सपोर्ट भी आए हैं और दर्द भी है, और जयराम मातो का हम लोग सपोर्ट भी करेंगे। जयराम मातो पे कितना विश्वास करते हैं आप? बहुत विश्वास, एकदम विश्वास है। आज हम लोग का 24 साल से विश्वास तोड़ दिया है, तो हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। 24 साल हो गए, सब धोखा दिया है ना। हाँ, क्या इस बार जयराम दा हमारा जो क्या बोलते हैं बच्चों का भविष्य के काम करेंगे? एकदम करेंगे, भविष्य के काम नहीं करते ना, तो जयराम कभी बदल जाए। यानी जो माटी की बात करें उसी के साथ दीजिएगा? उसी के साथ देंगे। क्या है, ये तो शुरुआत है, अभी रोजरी का रास्ता कर रहे हैं, तो अभी रास्ता बन रहे हैं जयराम। यानी रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं, रास्ता बनेगा ना तब देखिए। ठीक दीदी, आप वही हमने आपका साथ है, साथ है आप लोग सब है। ठीक है, देखिए।